हाँ जी, फिलहाल हो रहा है अंधेरा और हम जा रहे हैं ना के घर पे, वहाँ पर उसे करते हैं कंटिन्यू क्योंकि से देखो इस लड़की को मतलब टाइम हो गया सही का, और ये अभी भी सोई पड़ी है, सोई पड़ी है, सोती रहती है ये। अच्छा कभी उठने का दिल, इसके कभी उठने का दिल नहीं होता। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं सहरी के लिए, शोर होगा फिर से। हम लोग जा रहे हैं सहरी के लिए, सहरी का थोड़ा बहुत सीन दिखाऊंगी, ये डलेगा मेरा व्लॉग ईद के फर्स्ट डे डल जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आज आखिरी रोजा है, क्योंकि उसके बाद है ईद की बार आने के बाद, और फिर शुरू मान रही है जी। 5 minutes later. टीम वर्किंग भी अच्छी बात नहीं होती, ऐसा ना हो सभी जी पग जाए वर्किंग करते करते आओ टीम वर्क। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? साथ साथ ही है। मसले की बात नहीं आसिफ भाई। अभी ऑमलेट नहीं आया, ऑमलेट इंतजार में। ओहो, हमको सिखा रही है। Approximately 10 hours later. ना कैसे है, तो अभी कैसा हाल कर दिया इन लोगों ने, और अब चाय नहीं, तुम्हारा मैंने तुम्हारा फेस नहीं लिया, और चाय भी आ गई, चाय चाय। अच्छा जी, तो हम लोगों ने कर लिए सहरी, 4:22 हो गए, और अब हम लोग जाएंगे घर पे ताकि हम लोग अपना वजू वगैरह करके, रोज़ा वगैरह रख कर, और फिर आ जाऊँ, फिर मैं वापस चली जाऊँ। हाँ, बाकी इफ्तारी वगैरह नहीं दिखाऊंगी, ईद का दिन ईद के बाद ही मिलेंगे बस। हे गाइस, सो अब हम लोग आ चुके थे घर पे, घर पे आके हम लोग अब बैठे हुए, थोड़ा बोलिए बुरा हो रहा है, सुबह सहरी में ऐसे ही होता है, पता ही कौन लोग होता है सुबह सहरी में तैयार होते हैं, मैं तो तैयार नहीं होती फिलहाल। अब जो है मैं थोड़ी देर सोऊंगी, फिर मैं ऑफिस चली जाऊँगी, तो फिर कंटिन्यू करूँगी ऑफिस आने के बाद, देन मैं गज़ा कंटिन्यू कर लेगी, फिर देखते हैं कि चांद होता है कि नहीं होता, वैसे तो चांसेस ज़्यादा है चांद होने के, और मैं मोटू हो गई थोड़ी सी, मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि मैं मोटी हो गई हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, रमजानों में ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाई शायद तभी मोटी हो रही हूँ मैं, और फिर हम आके कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, तो थोड़ी आप भी सो जाओ और शायद मुझे भी सोने दो, आपको चीज़ दिखाऊँ मैं, मतलब हिजाब पहन के ये काम कर रही है, अब देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये मैसेज कर रही है उन्होंने, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा न्यू कर रही है ना। ओहो, सो रहे हैं, सही करके सो रहे, शिट, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है जी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन, और हो गया सुबह के बज रहे हैं अल्लाह भला करे 6:40 ऑलमोस्ट, और ये मेरा हो गया है ऑफिस जाने का टाइम, तो मैं जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी होने के बाद अब मैं वेट कर रही हूँ, फिर ऐसा निकल रहा है कहना कि घर से मैं रेडी, थोड़ा और नीचे से ले ले, थोड़ा और नीचे से ले ले ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, चलो ना। हाँ, अच्छा मैं रेडी होके, मैंने घर से रेडी हुई थी, और यहीं से रेडी होके मैं निकलूंगी, क्या नाम है अपना ऑफिस, अभी वहाँ से पहुँचूंगी मम्मा के घर पे, मतलब कि कल से जो है ना मैं अपने घर पे हूँ नहीं 12 बजे के बाद से, तो मैं अभी निकलने वाली हूँ, यहाँ से गजा कंटिन्यू करेगी, देख लो उसको, गजा कंटिन्यू करेगी, गजा ने पहले हटू ना पीछे आ गई, टैलेंट है Emotional, damn it. मैंने मगरिब की नमाज अदा कर ली, रोजा भी खुल गया है, टाइम हो रहा है 4:15, और हम लोग आ गए छत पे चांद ढूंढने के लिए, सितारा तो हमें दिख गया, चांद नहीं दिख रहा हमें, थोड़ा सा अंधेरा हो तो हम देखे ना, तो मैं खापा शापा लेके आ गई छत पे चांद ढूंढने के, मैं चांद को देखूँ, मतलब मैं यहाँ हूँ लेकिन आसमान वाले चांद को भी देखते हैं, ये चांद यहाँ पे और वहाँ पे जो लटक रहा है तरबूज लटक रहा है, सितारा तो ये रहा, चांद भी इधर ही कहीं होगा, बस तभी ढूंढता हूँ, तो यहाँ पर चांद चांद खाना भी खाता है, चांद पागल हो तुम, चांद का तो पता नहीं। सिस्टर के पैरों पे भी मेहंदी लगा दी है, और हाथों पे भी लग गई है, एक इस वाले हाथ पे लग गई है, और इस वाले हाथ पे जो है मामा लगा रही हैं अभी, कि आप सबको सवाल कर, मौलवी साहब आपको भी मुबारक, अच्छा जितने भी लोग हमें देख रहे हैं फिलहाल में सोते में से उठती हूँ, लग रहा है सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, और आज एक दफा का फिर से ईद का चांद 9 बजे हमें बताया गया, ये तो लेटेस्ट न्यूज है।
हम अभी आए मेहंदी लेने के लिए। हम लोग आए मार्ट। चलो चलो चलो। मेरे हबी मुझे बहुत खुश हो गए, वो बड़ी सुपर भी। हाँ, और यहाँ से मेरे भी हबी खुश होंगे, बोलेंगे चौवा इससे जान छूट गई। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। बड़ी बास्केट लेके सिर्फ उठाई गई चीनी, बाकी वहाँ चली गई ये लड़की माचिस लेने के लिए। अरे क्या उठा रही, गलत चीज तो नहीं उठा रही कुछ। प्यारी समझ गई। जोरी सुनती नहीं है, फंस गई है। इसको कोल्ड ड्रिंक कौन सी लेनी, गर्म है? ठंडी कर लीजिए। मैंने ये लेंगे, ये पीने के बाद कुछ होता है, इसको रहने दो। खट्टी मीठी होती है ना ये। यार यार ये कितनी औसम है यार। अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को घर पर थोड़ा ना फैला हुआ है तो थोड़ा इग्नोर करना, और आप लोगों को बाहर के सीन दिखा दिए हैं। व्लॉग अच्छा खासा लंबा लेंदी हो गया है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब इसके बाद जो व्लॉग बनेगा वो ईद के लिए स्पेशल व्लॉग होगा। अभी जो था ईद की तैयारियों का व्लॉग था, तो ईद के दिन हम सुबह मिलते हैं आप लोगों से मीठे के साथ शीर खुरमा खाते हुए और अपनी ईद का दिन दिखाते हुए तैयारियाँ। बाकी आप सब लोगों को ईद मुबारक हमारी तरफ से अगेन। बस टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।